स्टूडेंट विद्या क्रिएटर से मैं निशा, आज मैं आप लोगों को आगे वाली जो प्रतियोगिता दर्पण है वो कवर कराने जा रही हूँ। तो चलिए राष्ट्रीय घटनाक्रम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि राष्ट्रीय घटनाक्रम में है क्या क्या। तो पहला पॉइंट है कि असम में हिंसा की समाप्ति के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो असम की है वो, और जो आपका आतंकी संगठन है दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी, इसके बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। फिर असम व अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा समझौता भी संपन्न हुआ है। जो विवाद चल रहा था असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के बीच वो भी संपन्न हुआ है। तो पहला क्या है कि असम में हिंसा की समाप्ति के लिए केंद्र, राज्य सरकार और दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी, ये ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है कि किस कौन सा आतंकी संगठन है, तो दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी, इनके बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। फिर सीमा समझौता असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो चल रहा था वो भी संपन्न हुआ है। आम आदमी पार्टी को अब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा दिया गया है। कोई भी पार्टी अगर चार राज्यों में अपनी बढ़त बनाती है तो वो जो है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन जाती है। ऐसा आम आदमी पार्टी के द्वारा हो चुका है, इसलिए वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो गई है। अब जो कांग्रेस पार्टी थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, याद करिएगा, कांग्रेस को मत ले लीजिएगा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी थी, तृणमूल कांग्रेस थी और माकपा थी, यह इनके पास जो दर्जा था राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का वो छिन गया है। तो किन का दर्जा छिना है, तो वो है आपकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और माकपा। किसको दर्जा मिला है, तो वो है आम आदमी पार्टी। फिर बात करते हैं भारत में बाघ की संख्या। लगातार हम लोग बाघ के बारे में पढ़ते आ रहे हैं और अभी हमने कुनो नेशनल पार्क में बाघ आए थे उसके बारे में भी पढ़ा था। में जो बाघों की संख्या है वो 3167 हो गई है, ऐसा पांचवें चक्र की जो गणना रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है। फिर इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत हो रही है। फिर नेक्स्ट है नामीबिया व दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों में से एक एक चीते का निधन हो गया। एक मादा जो इसने चार शावकों को जन्म दिया था उसका निधन हुआ है, और एक जो पुरुष चीता था उसका निधन हुआ है। छत्तीसगढ़ में दांतेवाड़ा में नक्सली विस्फोट से 10 जवानों का बलिदान हो गया है। घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है तो पुरस्कार राशियों में वृद्धि करी गई है। और फिर सत्र 2022-23 के लिए 17 महिला क्रिकेटर BCCI द्वारा अनुबंधित किए गए हैं। तो पहली चीज़ क्या है कि असम में जो केंद्र सरकार है आपकी, राज्य सरकार है, फिर आपका दिमासा नेशनल लिबरेशन है, उसके बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है, सीमा समझौता संपन्न हुआ है आपके असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच, और सबसे बड़ी न्यूज़ है कि आम आदमी जो है वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा इसको मिला है। जबकि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा आपका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और माकपा से छीन लिया गया है। फिर पांचवें चक्र की गणना रिपोर्ट आई है बाघों के बारे में, तो इनकी संख्या हो गई है 3167, और बिग कैट्स अलायंस इन्हीं के लिए चलाया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो नामीबिया से चीते आए थे जैसा हम पिछले आपके वीडियो में बता चुके हैं, और दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए थे जिसमें से एक एक चीते का निधन हो गया है। फिर दांतेवाड़ा में नक्सली जो विस्फोट हुए थे उसमें 10 जवानों का बलिदान, और टूर्नामेंट हेतु पुरस्कार राशियों में जो हमारे घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं उसमें वृद्धि करी गई है, और सत्र 2022-23 के लिए कितनी महिला क्रिकेटर चुनी गई हैं, तो 17। फिर बात करते हैं असम में हिंसा की समाप्ति के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार व दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के बीच द्विपक्षीय समझौते की। पूर्वोत्तर का ये उग्रवादी संगठन है, असम की बात हो रही है तो पूर्वोत्तर
का राज्य है, इसलिए वहाँ के की बात हो रही है। उग्रवाद मुक्त कराने की दिशा में सरकार के प्रयासों को एक बड़ी सफलता उस समय मिली है जब असम में जो सक्रिय आतंकवादी संगठन है दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी DNLA, दिमासा पीपुल्स सुप्रीम काउंसिल DPSC ने केंद्र व राज्य सरकार के साथ एक त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर 27 अप्रैल 2023 को किया है और इसमें जो शामिल थे वो गृह मंत्री अमित शाह जी, असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा जी और नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुआ है। इस समझौते के तहत DNLA प्रतिनिधियों ने हिंसा छोड़ने, हथियारों व गोला बारूद सहित आत्मसमर्पण करने के अपने सशस्त्र संगठन को भंग करने तथा मुख्य धारा में शामिल होने के लिए सहमति व्यक्त करी है। दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी एक विद्रोही समूह है और ये कहाँ पे है, दीमा हसाओ जिले में सक्रिय है। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी संगठित है, तो अगर आपका दीमा हसाओ जिला तो भी सही होगा, असम राज्य तो भी सही होगा, या उस संगठन का नाम बताइए जिसने हाल ही में त्रिपक्षीय समझौता किया है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच, या जिसका त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। तो ये आपका हो गया दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी। फिर असम के मुख्यमंत्री वो देख लीजिएगा कौन है, ये पूछा जा सकता है। फिर ये पूछा जा सकता है कि पूर्वोत्तर में कौन सा उग्रवादी संगठन था जिसने अभी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है जिसका, तो ये आपका हो गया दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी। क्लियर हो गया? बस उसी को घुमा के पूछ सकते हैं बस। तो क्लियर कर लीजिएगा कि असम का ये संगठन है, विद्रोही समूह है, और कहाँ पे है वो, असम के दीमा हसाओ जिले में ही ज़्यादा सक्रिय है और इसका जो समझौता त्रिपक्षीय समझौता हुआ है वो केंद्र और राज्यों के बीच हुआ है। उसने कहा है कि अब वो आत्मसमर्पण करेंगे और अपने जो है हिंसा छोड़ेंगे, हथियारों को छोड़ देंगे, गोला बारूद सहित आत्मसमर्पण कर देंगे। फिर समझौते पर हस्ताक्षर के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ उग्रवादी संगठनों के नेता भी थे। तो समझौते पर हस्ताक्षर के पश्चात गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा कि इस समझौते के साथ ही असम में हिंसा में लिप्त सभी संगठनों का अंत हो जाएगा, यानी जो असम है वो ऐसे हिंसा वाले क्षेत्रों से मुक्त हो गया है, राज्य में अब एक भी उग्रवादी समूह नहीं बचा है और अब सारे विद्रोही समूह मुख्य धारा में आ गए हैं। इस समझौते को वर्ष 2024 तक शांतिपूर्वक और समृद्ध प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम गृह मंत्री अमित शाह ने बताया। इसके बारे में अमित शाह जी ने कहा कि जो असम है वो इन उग्रवादी संगठनों के खत्म होने से या आत्मसमर्पण करने से अब ऐसे संगठनों से मुक्त हो गया है और ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना था वो यहाँ पे पूरा हो गया है। सत्ताईस अप्रैल को हस्ताक्षर हुआ था शांति समझौते के तहत। राज्य सरकार आत्मसमर्पण करने वाली सभी कैडरों और अन्य दिमासा लोगों के कल्याण हेतु दिमासा कल्याण परिषद की स्थापना करेगी। राज्य सरकार क्या कर रही है, दिमासा कल्याण परिषद की स्थापना कर रही है जो इनकी राजनीतिक, आर्थिक,
शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में कार्य करेगी। तो किसकी दिशा में कार्य कर रही है? राजनैतिक दिशा में कार्य करेगी, आर्थिक दिशा में कार्य करेगी और शैक्षिक आकांक्षाओं को भी पूरा करेगी। उनकी जो शैक्षिक आकांक्षाएं होगी उनको पूरा करेगी। केंद्र सरकार व राज्य सरकार आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों के पुनर्वास को सुनिश्चित करने की दिशा में भी काम कर रही है और दिमाशा लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र व राज्य सरकार अगले 5 वर्षों में 500 करोड़ का विशेष पैकेज भी इनको प्रदान कर रही है। तो ध्यान रखिएगा क्या क्या चीजें हैं, राजनैतिक आर्थिक और शैक्षिक आकांक्षाएं जो होंगी वो पूरी करी जाएंगी और साथ में इनके विकास के लिए 5 वर्षों में 500 करोड़ का विशेष पैकेज भी दिमाशा लोगों को दिया जाएगा। फिर असम अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा समझौता संपन्न। अभी हमने बात करी बाघों की कि बाघों की टोटल संख्या कितनी हो गई है और इसमें से एक नर और एक मादा चीते की मृत्यु हो गई है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। साथ में हमने आतंकवादी संगठन असम का जो आतंकवादी संगठन था उसकी बात करी, जिसमें हमें ये पता चला कि उन्होंने जो है आत्मसमर्पण कर लिया है और केंद्र सरकार, केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने मिल करके उनके पुनर्वास के लिए और उनकी शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए या राजनैतिक, तो इसके लिए भी उन्होंने प्रयास किया है। अब हम आगे बात करते हैं कि असम व अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा समझौता, जो विवाद चल रहा था वो अब संपन्न हो गया है। पूर्वोत्तर में शांति की स्थापना, आपने अपना अरुणाचल प्रदेश फिर ये असम, ऊपर जब मैप में देखेंगे नेपाल, ये आपका भूटान, ये आपका हो गया कौन सा राज्य, सेवन सिस्टर तो नहीं कहलाएगा, ये बताइएगा कौन सा है, ठीक है। और सेवन सिस्टर्स के अंतर्गत क्यों नहीं आता है ये भी बताइएगा। तो शांति की स्थापना व संपन्नता की दिशा में एक और बड़ी पहल के तहत इस क्षेत्र के 2 राज्यों असम और अरुणाचल प्रदेश में अपनी सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कब? 20 अप्रैल 2023 को। पूर्वोत्तर के इन राज्यों के बीच 700 किलोमीटर से भी अधिक सीमा को लेकर के विवाद चल रहा था। तो कितने किलोमीटर को लेकर के विवाद चल रहा था? 700 किलोमीटर, जिसके चलते तनाव की स्थिति बनी थी। इस टकराव को समाप्त करने के लिए असम के जो मुख्यमंत्री हैं श्री हेमंत बिस्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू, दोनों को याद रखिएगा। पेमा खांडू कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के। हेमंत बिस्वा शर्मा कहाँ के हैं? असम के। और गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में 20 अप्रैल को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया और केंद्रीय विधि मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। तो इसमें कितने किलोमीटर का सीमा विवाद है? तो 700 किलोमीटर के अधिक क्षेत्र का। इस प्रेजेंट टाइम में अगर असम के मुख्यमंत्री देखें तो कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं और अरुणाचल प्रदेश के हैं श्री पेमा खांडू जी। इनके बीच समझौता पे हस्ताक्षर कब हुआ है? 20 अप्रैल 2023 को। समझौते पर टिप्पणी करते हुए गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि असम व अरुणाचल प्रदेश के बीच अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को 1972 से अब तक नहीं सुलझाया गया। यानी ये जो सीमा विवाद चल रहा था ये 1972 से चल रहा था और अब जाकर के सुलह हुई है। तो ये पूछा जा सकता है कि ये कब शुरू हुआ था या कब से चल रहा था? तो 1972 से चल रहा था। और जो यहाँ के लोकल कमीशन की रिपोर्ट अगर हम देखें तो 1972 को ही सरकारों से लेकर कोर्ट तक विवाद यहाँ पे बना रहा और इस रिपोर्ट को एक तरह से दोनों राज्यों और सरकारों ने स्वीकार कर लिया है।
सीमा विवाद को सुलझाने में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के प्रयासों की सराहना करते हुए गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि दोनों ने इस विवाद को निपटाने के लिए एक क्षेत्रीय समिति बनाई है। विवाद को निपटाने के लिए एक क्षेत्रीय समिति भी बनाई गई थी और आम लोगों से बात की गई और इस प्रयास से सभी को शामिल करने का प्रयास किया गया। और उन्होंने कहा कि इस समझौते में सीमा से जो सटे 123 गांव हैं उनके निवासियों की आकांक्षाओं को भी इसमें ध्यान रखा गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, लेकिन हो सकता है मेंस में लिखने को आ जाए या पूछ लिया जाए कि टोटल कितने गांव हैं जो आकांक्षाओं को ध्यान में रखा गया है जिनके, तो 123 गांव हैं। और इस समझौते के लिए एक समिति भी बनाई गई थी या इस विवाद से निपटने के लिए एक समिति भी बनाई गई थी। और तीसरा ये हो सकता है कि ये विवाद कब से चल रहा था, तो 1972 से चल रहा था। क्लियर हो गया? फिर बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। आपको लग रहा होगा कि अरे कुछ ही समय की तो पार्टी थी, नई पार्टी जिसके बारे में कहा गया था कि थोड़े समय बाद ये ख़त्म हो जाएगी। और सोचिए आप, ये राष्ट्रीय पार्टी का इसने दर्जा ले लिया है, ठीक है, तो वो कौन है? वो आपकी आम आदमी पार्टी है। और किसका दर्जा छीना गया है? तो वो आपकी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तृणमूल कांग्रेस व माकपा, इनसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। तो ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। तो दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात, जगह आपसे पूछी जाएगी कि किस किस जगह पे आम आदमी पार्टी के चुनावी प्रदर्शन अच्छे रहे हैं, तो वो है दिल्ली, वहाँ तो आपकी थी, याद ही होगा। दूसरी जगह आपकी गोवा है, पंजाब आप पहुँच ही जाओगे, गुजरात भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात, कौन कौन से हैं? दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में आम आदमी पार्टी के चुनावी प्रदर्शन को देखते हुए अब इसको राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा मिल गया है। और किसने दिया है या कौन देता है? तो चुनाव आयोग देता है। कब दिया है? तो 10 अप्रैल 2023 को दिया है। क्लियर हो गया? इसमें तीन क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि कहां कहां अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो आम आदमी पार्टी को आपके दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। और ये कब दिया गया है? 10 अप्रैल 2023 को। या किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कौन देता है? तो चुनाव आयोग देता है, ठीक है। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस लिया गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि किससे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा वो है आपकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और माकपा। इससे देश में अब राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों की संख्या कितनी रह गई है? तो 6। तो एक क्या पूछा जाएगा कि किसको मिला है, ये पूछा जाएगा। किसकी खत्म करी गई है, ये पूछा जाएगा। तीसरा पूछा जा सकता है कि संख्या कितनी है, तो 6 याद रखिएगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी, ये भी इम्पोर्टेंट है, कौन कौन शामिल हैं? तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, नेशनलिस्ट पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। तो ये जो 6 राजनीतिक दल हैं, 6, वो कौन कौन से हैं राष्ट्रीय स्तर के? तो वो हैं आपके बीजेपी, तो सबको पता होगा भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सबको पता है, आम आदमी पार्टी अब शामिल हो गई है, ध्यान रखिएगा, अब बची मार्क्सवादी पार्टी और नेशनलिस्ट कम्युनिस्ट, नेशनलिस्ट पीपुल्स पार्टी और समाजवादी, बहुजन समाजवादी, समाजवादी पार्टी जो है वो आपकी राष्ट्रीय पार्टी है प्रेजेंट टाइम में।
2019 के लोकसभा चुनाव में इसके पश्चात हुए राज्य विधानसभा, ये देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव और उसके पश्चात राज्य विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर तीन दलों ने राष्ट्रीय स्तर के दल के रूप में दर्जा खोया है, जबकि आम आपने अब चार राज्यों दिल्ली, गोवा, पंजाब, गुजरात में राजश्री पार्टी का दर्जा पा लिया है, जिससे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता के लिए पात्रता इसे प्राप्त हो गई है। यानी अगर आप राष्ट्रीय दल के रूप में पात्रता पाना चाहते हैं तो चार राज्यों में आपको राजश्री पार्टी का दर्जा मिलना चाहिए। चुनाव आयोग ने 10 अप्रैल के फैसले में राजश्री पार्टियों की मान्यता में भी फेरबदल की है और राष्ट्रीय दर्जा समाप्त होने से राकपा अब केवल महाराष्ट्र में राजश्री दल के रूप में पार्टी रहेगी। राकपा जो है एनसीपी अब केवल महाराष्ट्र में ही राज्य दल के रूप में पार्टी रहेगी, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई अब केरल, मणिपुर और तमिलनाडु में राज्य स्तर की पार्टी मानी जाएगी और विधानसभा चुनाव में निष्पादन को देखते हुए, विधानसभा के जो चुनाव थे उसमें निष्पादन को देखते हुए तृणमूल कांग्रेस ने अरुणाचल प्रदेश व मणिपुर में राज्यस्तरीय दल का दर्जा खो दिया है। ठीक है, कहाँ कहाँ खोया है तृणमूल कांग्रेस ने? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में राज्य स्तरीय दल का दर्जा खो दिया। तो ये राज्य पूछे जाएंगे, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो खोया है तो कहाँ कहाँ रहेंगे या कहाँ का खोया है? ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि महाराष्ट्र में कौन रहेगा आप? राकपा रहेगी राजश्री पार्टी के रूप में, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अब कहाँ कहाँ रह रही है? केरल, मणिपुर, तमिलनाडु में राजस्थान की पार्टी के रूप में। और अगर तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में इसने अपना राज्य स्तरीय दर्जा खो दिया है, जबकि राकपा ने गोवा, मणिपुर व मेघालय में तथा माकपा ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा में राजस्थानी पार्टी का दर्जा खो दिया है। कहाँ है और कहाँ का खो दिया है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्लियर हो गया? तो ये पूरी स्लाइड ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन कभी भी कहीं से भी पूछे जा सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि किस पार्टी ने गोवा, मणिपुर और मेघालय में अपना दर्जा खोया है तो बताना पड़ेगा आपको, या माकपा ने कहाँ अपना राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा खोया है तो पश्चिम बंगाल और ओडिशा याद करना पड़ेगा, या पूछा जाएगा कि केरल और मणिपुर, तमिलनाडु में अब कौन सी पार्टी राज्य स्तर की पार्टी मानी जाएगी तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। क्लियर हो रहा है? फिर से बता दे रही हूँ, देखिए जो आपकी राकपा है केवल महाराष्ट्र में राज्य स्तर दल के रूप में पार्टी रहेगी, जबकि अगर हम कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो वो केरल, मणिपुर और तमिलनाडु। कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई कहाँ है? केरल, मणिपुर और तमिलनाडु में राज्य स्तर की पार्टी। और अगर हम देखें तृणमूल कांग्रेस अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में राजस्थानी दल का दर्जा जो था वो खोया है, तो तृणमूल कांग्रेस ने कहाँ पे राज्य स्तरीय दल का दर्जा खोया है? तो अरुणाचल प्रदेश में खोया है, मणिपुर में खोया है। इसके अलावा अगर हम बात करें माकपा की तो माकपा ने कहाँ खोया है? देखिए यहाँ पे केरल और मणिपुर, तमिलनाडु में है लेकिन पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में नहीं है, यानी यहाँ का दर्जा इसने खो दिया है। तृणमूल कांग्रेस को कहाँ का अगर हम देखें तो मेघालय में राजस्तरीय दल का दर्जा इसको मिला हुआ है। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में राजस्थानी पार्टी का दर्जा इससे पहले ही प्राप्त था, तो अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में राजस्थानी पार्टी का दर्जा इसको पहले ही मिला हुआ था और आयोग ने 10 अप्रैल 2023 में जारी आदेश के तहत उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल, आंध्र प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय समिति, मणिपुर में
पीडीए पांडुचेरी में, पीएमके पश्चिम बंगाल में, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी तथा मिजोरम में मिजो पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा समाप्त हो गया है और चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी को नागालैंड में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो चिराग पासवान के नेतृत्व वाली जो लोक जनशक्ति पार्टी है, तो लोक जनशक्ति पार्टी किसकी है? चिराग पासवान की है। इसको नागालैंड में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। क्लियर हो गया? फिर राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता हेतु जो शर्तें हैं वो एक बार देख लेते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, अगर वो नहीं पूछा गया तो ये पूछा जा सकता है। संबंधित दल को कम से कम 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, जैसा आप पार्टी को मिला है। फिर पिछले लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में या तो ये दोनों नहीं चाहिए। इनमें से अगर कोई एक भी चीज़ हो जाएगी तो ये जो है राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता इसको मिल जाएगी। पिछले लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में कुल पड़े वैध मतों में अगर हम देखें तो 6% या अधिक मत उनको प्राप्त होने चाहिए तथा लोकसभा में इससे कम से कम 4 सांसद हों। पहली चीज़ क्या है? 4 राज्य में मान्यता होनी चाहिए। दूसरी क्या है कि विधानसभा के जो चुनाव हैं, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा, तो पिछला जो लोकसभा विधानसभा चुनाव है कम से कम 4 राज्यों में कुल पड़े वैध मतों के 6% या अधिक मत उसको प्राप्त होने चाहिए, 6% या उससे अधिक, या लोकसभा में इसके कम से कम 2 सांसद होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 कंडीशन है, सॉरी ये 4 सांसद होने चाहिए और 6 आपके परसेंट या इससे अधिक मत इनको प्राप्त होने चाहिए। क्लियर हो गया? 4 राज्यों में 6% मत मिले होने चाहिए या तो 4 सांसद इनके लोकसभा में होने चाहिए। फिर 3 अथवा अधिक राज्यों में लोकसभा की कम से कम 2% सीटें से प्राप्त हों। 3 राज्य होने चाहिए या 3 से अधिक भी राज्य हो सकते हैं, उसमें लोकसभा की कम से कम 2% सीटें इनके पास होनी चाहिए। फिर राज्य स्तरीय दल के लिए आवश्यक दशाएं, राज्य स्तरीय दल अगर आपको बनना है, क्योंकि राज्य स्तरीय दल भी तो हटे हैं, तो राज्य विधानसभा के पिछले चुनाव में वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त हो इनको, राज्य विधानसभा में होना चाहिए। ठीक है, अगर राज्य स्तरीय दल की बात हो रही है तो राज्य विधानसभा में पिछले चुनाव में वैध मत 6% प्राप्त हो तथा पार्टी में कम से कम 2 विधायक हो, यानी मत कितने होने चाहिए? 6% और विधायक कितने होने चाहिए? 2। या लोकसभा के पिछले चुनाव में राज्य के वैध मतों के कम से कम 6% मत प्राप्त हो तथा पार्टी का कम से कम 1 सांसद होना चाहिए। अगर लोकसभा का चुनाव की बात करें तो कम से कम 1 सांसद होना चाहिए, या पिछले चुनाव में राज्य के वैध मतों के कम से कम 6% मत इनको प्राप्त होने चाहिए। फिर पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य के कम से कम 3% मत प्राप्त किए हों, या कम से कम यहाँ पे कितने विधायक हों? 3 विधायक हों, इसमें जो भी अधिक होगा वो मान लिया जाएगा, या विगत विधानसभा या लोकसभा चुनाव में राज्य के कुल वैध मतों का 8% मत उसे प्राप्त हो, जो वैध मत है उसका 8% मिलना चाहिए, चाहे वो विधानसभा या लोकसभा। फिर राज्य में लोकसभा के प्रत्येक 25 सीटों या उसके अंश में से कम 1 सीट उसे प्राप्त होनी चाहिए, तो वो राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता उसको मिलेगी उस पार्टी को। चलिए फिर बात करते हैं बाघ में, भारत में बाघ संख्या अब हो गई है, अगर 5वें चक्र की गणना देखें तो ये संख्या हो गई है 3167। तो
भारत में बाघ संरक्षण के लिए चलाए जा रहे प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष इस वर्ष 2023 में पूरे हुए हैं। तो मुख्य चीज क्या है कि बाघ प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं आपके 2023 में। इस अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मरणोत्सव कार्यक्रम आपका मैसूर विश्वविद्यालय में 9 अप्रैल 2023 को आयोजित किया गया। तो कहाँ पे? मैसूर विश्वविद्यालय में। कब? तो 9 अप्रैल को 2023 को आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन अखिल भारतीय बाघ अनुमान की सारांश रिपोर्ट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जारी की। बाघ गणना के पांचवें चक्र की गणना में 2022 में देश में बाघों की संख्या का अनुमान बताया गया है। इस गणना में देश में बाघों की कुल संख्या हो गई है 3167, ये ध्यान रखिएगा। जबकि 2018 के चौथे चक्र की गणना में यह संख्या थी 2967, ठीक है। पहले कितनी थी? अगर चौथे चक्र की बात करें तो 2967, तो याद रखिएगा, अगर चौथा चक्र पूछे तो 2967, अगर पांचवा चक्र पूछे तो 3167। और ये कहाँ पे? मैसूर विश्वविद्यालय में आयोजित जो आपका कार्यक्रम था 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, तो उसके उद्घाटन में प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो अखिल भारतीय बाघ अनुमान का पांचवा चक्र की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया है कि अब बाघों की कुल संख्या हो गई है 3167। पहले कितनी थी चौथे चक्र में? 2967। और किस प्रोजेक्ट के 50 वर्ष पूरे हुए हैं? तो बाघ प्रोजेक्ट टाइगर के। इस प्रकार 2018 और 22 की 4 वर्ष की अवधि में देश में बाघ संख्या 200 की इसमें वृद्धि हुई है। 2006 में पहली गणना में देश में जो बाघों की कुल अगर हम देखें तो ये थी 1411 बाघों की संख्या, और दूसरे में कितनी थी? 1706। तीसरे में कितनी थी? 2226। चौथे में कितनी है आपकी? थी 2967। और पांचवे में कितनी हो गई है बढ़ करके? 3167। और ये जो गणना देखिए 6 में हुई है, फिर 10 में हुई है, फिर 14 में हुई है, फिर 18 में हुई है, फिर 22 में, यानी 4-4 वर्ष में ये होती है। बाघ संख्या के 2022 के यह आंकड़े अभी अंतरिम हैं, जो प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने के तथा इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस के शुभारंभ के अवसर पर जारी किए गए। और साथ ही जो 50 वर्ष पूरे हुए हैं तो वहाँ पे इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस की शुरुआत भी करी गई है। इस आंकड़े में 2022 में बाघ संख्या की रेंज अभी जारी नहीं है, जैसा कि 2018 की गणना में न्यूनतम अगर हम देखें तो 2603 और अधिकतम अगर देखें तो 3346 थी, और अगर औसत निकालें तो 2947 रही है, ये आंकलित किया गया था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने बाघों की राज्यवार स्थिति तथा विभिन्न बाघ अभयारण्यों में बाघों की संख्या की 2022 के आंकड़े अभी जारी नहीं किए गए हैं। 1 अप्रैल 1973 को जब देश में प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ किया गया, तो पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1973 को। 1 अप्रैल 1973 इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट टाइगर के शुभारंभ के लिए। देश में बाघों की कुल संख्या उस टाइम अगर हम देखें तो 263 थी, जबकि देश में बाघ अभयारण्यों की जो संख्या थी वो 9 थी। वर्तमान में देश में बाघ अभयारण्य की संख्या कितनी हो गई है? 53, यानी 9 से बढ़ करके ये कितनी हो गई है? 53 हो गई है। और अगर हम बाघों की संख्या देखें तो बाघ कितने हैं? पहले कितने थे? 263, और अब बढ़ करके कितने हो गए हैं? 3167 हो गए हैं।
इस प्रकार 50 वर्षों की इस अवधि में देश में बाघ 12 गुना से भी अधिक की यहाँ पे वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जो पांचवें चक्र की बाघ गणना के आंकड़े जारी करे हैं, इस तथ्य पर प्रसन्नता व्यक्त करी है कि आज़ादी के 75वें वर्ष में विश्व में कुल बाघ संख्या अगर हम देखें तो 75% भाग भारत में है। यानी टोटल विश्व की कुल बाघ संख्या अगर पूछें तो हमारे यहाँ कितने परसेंट बाघ हैं, तो 75% भारत में है। ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है कि भारत में अगर हम देखें तो विश्व की कुल बाघ संख्या का 75% भारत के पास है बाघ। और अगर हम पहले देखें बाघ को तो देश में कुल 263 ही थे, जो बढ़कर के कितने हो गए हैं, 3167 हो गए हैं। अभयारण्य कितने थे, वो 9 थे, जो बढ़कर के 53 हो गए हैं। देश में प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए नहीं संपूर्ण विश्व के लिए गर्व की बात बताई है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट भी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 9 अप्रैल को जारी किया गया। तो इसमें मुख्य क्या है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब करी गई थी, 1 अप्रैल 1973 को। स्टार्टिंग में बाघों की संख्या कितनी थी, सिर्फ 263 थी, जो बढ़कर के कितनी हो गई है, 3167 हो गई है। और अगर हम देखें तो पहले कितने अभयारण्य कितने थे, बाघ अभयारण्य सिर्फ 9 थे, जो बढ़कर के कितने हो गए हैं, 53 हो गए हैं। अगर संपूर्ण विश्व में अगर हम परसेंट वाइज देखें तो हमारे यहाँ 70% भाग भारत में ही है बाघों की संख्या का। क्लियर हो गया। इंटरनेशनल बिग कैट्स एलाइज देश में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर अब विश्व में बिल्ली प्रजाति के 7 बड़े जंतुओं, अब पूछा जा सकता है कि बिल्ली प्रजाति के जंतु हैं कितने हैं, तो 7 हैं, 7 बड़े हैं। ठीक है, तो कितने बड़े हैं, तो 7 बड़े याद रखिएगा। अब कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका बाघ, दूसरा हो गया शेर, तीसरा हो गया तेंदुआ, फिर हो गया हिम तेंदुआ। अब ये तो आपको याद होगा, प्यूमा शायद सुना सुना हो, ना याद हो तो याद करिएगा, जगुआर, चीता हो गए, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता। इसके संरक्षण और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 9 अप्रैल 2023 को मैसूर विश्वविद्यालय के में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने के स्मरणोत्सव कार्यक्रम में किया गया। तो पूछा जा सकता है आपसे कि इंटरनेशनल बिग कैट्स एलायंस संबंधित है, तो एलायंस पे मत जाइएगा, ये आपकी संबंधित है प्रोजेक्ट टाइगर जो 50 वर्ष पूरे हुए हैं उससे संबंधित है। और कब घोषणा करी है, 9 अप्रैल 2023 को। कहाँ करी है, तो मैसूर विश्वविद्यालय में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने के स्मरणोत्सव पर। श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि 2019 में विश्व बाघ दिवस पर एक कार्यक्रम में एशिया में अवैध वन्य जीव व्यापार व अवैध शिकार के विरुद्ध एक गठबंधन बनाने का आह्वान उन्होंने किया था। इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस को इसी भावना का विस्तार बताते हुए उन्होंने कहा कि यह एलायंस विश्व के 7 बिग कैट्स के संरक्षण एवं सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा। और उन्होंने कहा कि इन प्रजातियों को शरण देने वाले देश इस एलायंस में शामिल होंगे, यानी वही देश शामिल होंगे जो इन प्रजातियों को संरक्षण देंगे, जिसमें भारत भी एक है।
बिग कैट्स प्रजातियों के संरक्षण के लिए नए अलायंस की घोषणा करते हुए वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में भारत की अनूठी उपलब्धियों का उल्लेख भी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। और इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ प्रकृति की रक्षा करना संस्कृति का एक हिस्सा है। तो इसको ये जो पॉइंट है मोदी जी ने बोला है, ये आप अपने अगर कोई ऐसे लिख रहे हैं उसमें भी डाल सकते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ प्रकृति की रक्षा करना संस्कृति का एक हिस्सा है। या करंट में भी ये स्लाइड पॉइंट दे दिया जाएगा लाइन और बोला जाएगा कि इसमें से क्या सही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ प्रकृति की रक्षा करना संस्कृति का एक हिस्सा है। यानी प्रकृति का अगर हम संरक्षण कर रहे हैं तो ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, उसका संरक्षण करना, ऐसा मोदी जी ने कहा है। तथ्य का उल्लेख किया गया है कि भारत के पास दुनिया की कुल भूमि का केवल 2.4% हिस्सा है। यानी हमारा जो विस्तार अगर हम देखें तो कुल का सिर्फ 2.4 ही तो है। लेकिन अगर हम वैश्विक जैव विविधता की बात करें तो 8% का योगदान हम दे रहे हैं विश्व में। और उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर रेंज वाला देश है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर रेंज वाला देश है और लगभग 30,000 हाथियों के साथ यह दुनिया का सबसे बड़ा एशियाई एलिफेंट रेंज वाला भी देश है। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा अगर एलिफेंट का अगर हम पूछें कि एशियाई एलिफेंट रेंज वाला देश कौन सा है तो वो है भारत। अगर हम देखें कि दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर रेंज वाला देश कौन सा है तो वो भी भारत है। और एक सिंह वाले गैंडे की सबसे बड़ी आबादी वाला सबसे बड़ा देश अगर बात करें तो वो भी आपका भारत ही है। और उन्होंने आगे कहा कि भारत एशियाई शेरों वाला दुनिया का एकमात्र देश है। एशियाई शेरों, भारत एशियाई शेरों वाला दुनिया का एकमात्र देश है। और इन शेरों की आबादी 2015 में लगभग रही होगी 2525, ये बढ़ करके 2020 में लगभग, या दो बोल सकते 2020 में ये हो गई है 675। और उन्होंने भारत की तेंदुओं की आबादी का भी उल्लेख किया और कहा कि 4 वर्षों में इसमें 60% की से भी अधिक की वृद्धि हुई है। गंगा जैसी नदियों को अगर हम साफ करने की बात करें तो इस पे इन्होंने कहा कि इस बात पर प्रकाश डाला कि कुछ जलीय प्रजातियां जिन्हें कभी खतरे में माना जाता था उनकी संख्या में अब सुधार हुआ है। और उन्होंने इन उपलब्धियों का श्रेय लोगों की भागीदारी और संरक्षण की जो संस्कृति है वो दिया है कि लोगों के द्वारा और जो हमारी संस्कृति है उसके द्वारा ही ऐसा संभव हो पाया है। फिर नामीबिया व दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों में से एक एक चीते का निधन, एक अन्य मादा ने 4 शावकों को जन्म दिया। देश भर के वन्य जीव प्रेमी, विशेषता प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़े जो वन्य जीव प्रेमी हैं उनमें खुशी की लहर आई थी मार्च 2023 में, उस समय जब नामीबिया से सितंबर 2022 में लाए गए 8 चीतों में से सियाया, नाम याद रखिएगा, सियाया नाम की एक मादा चीते ने 4 शावकों को कूनो नेशनल पार्क जहां इन्हें रखा गया है में जन्म दिया। कूनो नेशनल पार्क के बारे में हम लोग अपने पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो कूनो नेशनल पार्क में जो नामीबिया से लाए गए थे चीते उसमें से सियाया नाम की जो मादा चीता थी उसने 4 शावकों को जन्म दिया था। नामीबिया से लाए गए 8 चीतों में से शाशा नाम की एक मादा चीते ने इससे ही कुछ ही दिन पूर्व कूनो नेशनल पार्क में अस्वस्थता के कारण दम तोड़ गया था। जन्म किसने दिया है? सियाया ने। कौन सी मादा चीते का मृत्यु हुई है? तो वो है शाशा। ठीक है, तो शाशा जिसकी मृत्यु हो गई है, ध्यान रखिएगा। और सियाया ने क्या किया है? 4 शावकों को जन्म दिया है।
ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछे जा सकते हैं। शाह याद रखिएगा, शाह और शाह जहाँ पे है उसकी मृत्यु हुई है। कहाँ से लाई गई थी? नामीबिया से। इससे कुछ ही दिन पूर्व कूनो नेशनल पार्क में ही अस्वस्थता के कारण दम तोड़ दिया था। इससे कुछ ही दिन बाद दक्षिण अफ्रीका से लाया गया। ये कहाँ से लाई गई थी? नामीबिया से। ठीक है, शाशा जिसकी मृत्यु हुई है। यहाँ से लाई गई थी सियाया, जिसने चार शावकों को जन्म दिया है। अब दक्षिण अफ्रीका से जो लाया गया है चीता, एक उसमें से जो नर चीता है उसने भी दम तोड़ दिया है। तो ध्यान रखिएगा कि कहाँ का नर था, तो नर दक्षिण अफ्रीका का से लाया गया चीता था, और मादा जिसने दम तोड़ा है या जिसकी मृत्यु हुई वो कहाँ से लाई गई थी, तो वो नामीबिया से लाई गई थी, और नामीबिया से लाए हुए सियाया ने चार शावकों को जन्म दिया। नामीबिया से लाए गए चीतों में से सियाया मादा द्वारा चार शावकों को के जन्म को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने अमृत काल में भारत के वन्यजीव संरक्षण इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना करार दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सियाया ये चार शावक अत्यधिक शिकार के कारण 1947 में देखें तो भारत से चीते समाप्त हो गए थे, और भारत में अंतिम चीते की मृत्यु छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में शिकार कर लिए जाने से हो गई थी, और सरकार ने 1952 में इस प्रजाति को लुप्त घोषित कर दिया था। यानी अगर हम देखें तो 1952 तक ये प्रजाति हमारे यहाँ थी ही नहीं चीते की। 1947 में देखे तो लगभग समाप्त हो चुके थे, और जो अंतिम चीता बचा था उसको छत्तीसगढ़ में के कोरिया जिले में शिकार कर लिया गया। अब देश में चीतों के पुनर्वास के लिए 8 चीते लाए गए थे नामीबिया से, और 17 जो लाए गए हैं वो 17 सितंबर 2022 को लाए गए हैं, और कब? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर, जिन्हें मध्य प्रदेश स्थित कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। बाद में 12 अन्य चीते 18 फरवरी 2023 को, ठीक है, 12 अन्य चीते कहाँ से लाए गए हैं? दक्षिण अफ्रीका से लाए गए हैं, और इन्हें भी कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। 8 चीते नामीबिया से, 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से, जिसमें नामीबिया में जो सियाया नाम की है उसने चार शावकों को जन्म दिया है, और एक चीते की यहाँ पे मृत्यु हुई है नामीबिया के, और 12 जो चीते लाए गए हैं दक्षिण अफ्रीका से उसमें से एक नर चीते की मृत्यु हुई है। छत्तीसगढ़ के में दांतेवाड़ा में नक्सली जो विस्फोट हुआ है उसमें 10 जवानों का बलिदान हो गया है। तो छत्तीसगढ़ में 27 अप्रैल 2023 को एक बड़े नक्सली हमले में जिला रिजर्व गार्ड के 10 जवानों की जान ले ली है इसने। तो कहाँ के थे ये? जिला रिजर्व गार्ड के 10 जवान थे। राज्य के दांतेवाड़ा जिले के अरनपुर इलाके में नक्सलियों ने DRG जवानों की एक वैन को दोपहर लगभग 1 बजे उस समय IED धमाके से उड़ा दिया जब यह टीम नक्सली विरोधी अभियान संपन्न करने के पश्चात लौट रही थी। नक्सली विरोधी अभियान समाप्त करके ये टीम लौट रही थी तब नक्सलियों द्वारा इनको उड़ा दिया गया था। और ये कहाँ हमला हुआ है? रिजर्व गार्ड के जवान थे ये, दांतेवाड़ा अरनपुर इलाके में। ठीक है, तो दांतेवाड़ा जिले का जो अरनपुर इलाका है वो चर्चा में है। नक्सलियों द्वारा रिजर्व गार्ड के 10 जवानों की जान लेने के लिए, क्लियर हो गया?
अरनपुर और समेली गांव के बीच हुए विस्फोट में वैन में सवार सभी जवानों की मौके पर ही मौत हो गई और लगभग 40 किलोग्राम विस्फोट का इस्तेमाल इस विस्फोटक के लिए किया गया था। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि वैन के परखच्चे उड़ गए तथा लगभग 10 फुट गहरा गड्ढा विस्फोट स्थल पर हो गया। राज्य में विगत 2 वर्षों में सुरक्षा बलों पर नक्सलियों का यह सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। घटना के पश्चात नक्सलियों की तलाश में तेजी राज्य द्वारा लाई गई है। तो ये जो हमला हुआ है छत्तीसगढ़ में हुआ है। इलाका अगर हम देखें तो अरनपुर और समेली गांव, और जिला अगर देखें तो दंतेवाड़ा, ठीक है। राज्य अगर पूछे तो छत्तीसगढ़, ठीक है। जिला अगर पूछे तो दंतेवाड़ा, और अगर जगह पूछें तो अरनपुर व समेली गांव के बीच। क्लियर हो गया। और कब हुआ, जब ये वापस लौट रहे थे। और कितने किलोग्राम विस्फोटक का यूज किया गया था, 40 किलोग्राम। और कितने फुट गड्ढा हुआ है, तो 10 फुट गहरा गड्ढा। तो ये तब इम्पॉर्टेंट होगा जब आईएएस में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है या सही है, तब ये पूरे पॉइंट दिए जा सकते हैं। लेकिन जगह ज़रूर याद रखिएगा। घटना की निंदा करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, याद रखिएगा भूपेश बघेल कहाँ के मुख्यमंत्री है, छत्तीसगढ़ के, इन्होंने कहा कि नक्सलियों से लड़ाई अंतिम दौर में चल रही है। उन्होंने दोषियों को किसी कीमत पर न छोड़ने की बात कही है। नक्सली हमले की कड़ी निंदा करते हुए शहीद जवानों को श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अर्पित करी है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इन शहीद जवानों के बलिदान को हम हमेशा याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में 26 अप्रैल 2023 को नक्सली हमला विगत 2 वर्षों में सबसे बड़ा हमला है। 26 अप्रैल 2023 राज्य में 2 वर्ष पूर्व सुकमा व बीजापुर जिलों की सीमा पर 3 अप्रैल 2021 को हुए नक्सली हमले में 21 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे। तो ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है, और इससे पहले जो हुआ है ये भी इम्पॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। इससे पूर्व 21 मार्च 2020 को सुकमा जिले के मीनिया इलाके में, और तीसरा इससे पहले कब हुआ है, सुकमा जिले के मीनिया इलाके में नक्सली हमले में 7 सुरक्षा कर्मियों ने प्राण गंवाए थे। इससे पूर्व 9 अप्रैल 2019 की को दंतेवाड़ा जिले में नक्सली के एक धमाके में 1 विधायक और 4 सुरक्षा कर्मियों की जान गई थी। तो अगर 19 की बात करें तो दंतेवाड़ा जिले में हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम 20 की बात करें तो सुकमा, अगर हम 21 की बात करें तो ये जो है आपका हुआ है इससे पूर्व 2020 में सुकमा जिले में हुआ था। और सुकमा व बीजापुर जिले में अगर हम बात करें 2021, तो 2021 में कहाँ हुआ है, ये आपका सुकमा और बीजापुर का जो जिला है वहाँ पे की सीमा पर, ठीक है। और फिर कब हुआ है, ये आपका हुआ है छत्तीसगढ़ में, और जगह का जो नाम है वो आपके क्या था, जगह आपका था अरनपुर और दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर इलाके में, ठीक है। तो अरनपुर में हुआ है, ये भी दंतेवाड़ा जिला ही है।
यानी पहला अगर हम अभी जो हुआ है वो भी दंतेवाड़ा, अगर इससे पहले 19 की बात करें तो वो भी दंतेवाड़ा ज़िले में हुआ है, फिर अगर हम इससे पहले की बीच की बात करें तो वो सुकमा और बीजापुर, यानी सुकमा और दंतेवाड़ा ज़िला, ये सब बहुत ज़्यादा आपके नक्सली क्षेत्र हैं जहाँ पे आए दिन घटनाएं होती रहती हैं और ये बहुत बड़ा नक्सली हमला माना गया है। प्रतियोगिता दर्पण का जो राष्ट्रीय घटना चक्र है वो आप लोग आराम से याद करते हुए देखिएगा, जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, कंटेंट पे ध्यान रखिएगा तो एग्ज़ाम टाइम में आपको अपने आप सारी चीज़ें याद आती रहेंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।